Hello friends, welcome back to my channel and today we are going to study a very important topic that is Arab and Turkish invasion. हर बार की तरह इजी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी. अच्छी लगे तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें. तो पहले शुरुआत करते हैं हम अरब इन्वेशन से. यहाँ पे इराक़ की बात हो रही है. अरब मीन्स इराक यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इराक से पहला बंदा जो आया था, द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर टू कम इन इंडिया वाज मोहम्मद बिन कासिम. और वो आने के बाद सबसे पहले इन्होंने कैप्चर किया सिंध को. सिंध पे पहले फायरिंग की, अटैक किया और उसके बाद फिर अपना रौब जमाना शुरू कर दिया सिंध में और फिर सिंध को इसने कैप्चर कर लिया. तो अब हम पढ़ते हैं टर्किश इन्वेशन के बारे में, जो कि काफ़ी लंबा है और आसान है. महमूद गज़नवी जो राजा था, महमूद ऑफ़ गजनी का राजा का नाम था महमूद गज़नवी. अपने पिता को सक्सेस जिताकर उसके बाद फिर ये अपना स्टेब्लिश करता है एम्पायर सेंट्रल एशिया में और अपना कैपिटल बनाता है गजनी को, जो अब के समय में काबुल है. पहले उसे गजनी बोला जाता था और अब उसे काबुल बोला जाता है. तो ये जब सारी चीज़ें हो रही थी, वो मात्र 27 ईयर्स का था और इसे फर्स्ट रूलर टैग मिला सुल्तान. ये पहला सुल्तान था. उसके बाद इसमें पावर और स्ट्रेंथ काफ़ी आ गया और ये 17 टाइम्स इंडिया पे अटैक करता है. तो जब ये 16th टाइम अटैक किया था तो ये सोमनाथ टेंपल को लूटा था, और जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये काफ़ी एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है. और ये इंडिया आना कब से शुरू किया, तो उस समय से शुरू किया जब राजपूत का पावर ख़त्म हो रहा था, डिक्लाइन हो रहा था. इसीलिए ये इंडिया में इन्वेड करने की कोशिश कर रहा था और इंडिया से वेल्थ लेने की कोशिश करना चाहता था और इस्लाम स्प्रेड करना चाहता था. अब दोस्तों क्या होता है कि जब ये 17th टाइम इंडिया में घुसपैठी करने की कोशिश किया था तो इसे किंग जयपाल अरेस्ट कर लिया था और ये कैदी बनाकर अपने दरबार में रखता था. किंग जयपाल और उसका बेटा आनंदपाल दोनों मिलकर इसे काफ़ी सताया करते थे, लेकिन ये अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है. मतलब कि महमूद गज़नवी अपना जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है. और एक इम्पॉर्टेंट बात बता देती हूँ कि मोहम्मद गज़नी जो है, ये काफ़ी जगह इन्वेड भी किया है, दैट इज़ काबुल, दिल्ली, कन्नौज, मथुरा, कांगड़ा, थानेश्वर, कश्मीर, ग्वालियर, मालवा, बुंदेलखंड, त्रिपुरा, बंगाल एंड पंजाब. इतना जगह इन्वेड किया है ये. और फिर इसकी मृत्यु हो जाती है 1030 AD में. अब यहाँ पर सवाल उठता है कि ये 17 टाइम्स इन्वेशन घुसपैठी कैसे कर लिया, क्योंकि इंडिया की मिलिट्री काफ़ी वीक थी, उनके पास वेपन्स नहीं था, वो डरते थे. दूसरी चीज़ की राजपूत रूलर्स के बीच में ये खुद इतनी लड़ाई होती थी कि वो दूसरों को मिलकर क्या सबक सिखाएंगे जब खुद में ही अपने से लड़ रहे हैं बैठ के. तो उनमें देखा जाए तो पॉलिटिकल यूनिटी बिल्कुल भी नहीं थी. सब झगड़ालू थे, आपस में लड़ते थे. आपस में लड़ेंगे तो अपने दुश्मन को कैसे हराएंगे जब एक दूसरे के ही दुश्मन हैं खुद एक जगह पे. तो ये सारी कॉन्क्वेस्ट प्रूव करती है कि मुस्लिम जो थे वो काफ़ी सुपीरियर थे हिंदू में इन द फील्ड ऑफ वार, डिसिप्लिन एंड ड्यूटी. अब क्या होता है दोस्तों कि गजनी का जो घुसपैठी होता है वो इंडिया की इकोनॉमी को हर्ट करती है और इंडिया की इकोनॉमी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, वीक होने लगती है. वैसे तो यहाँ पे इंडिया की ऑलरेडी हो चुकी है इतनी सारी लॉस, क्योंकि घुसपैठी बहुत हो चुकी थी. 17 घुसपैठी यहाँ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ होती है ये. तो इंडिया की रिसोर्स है वो ड्रेन होते जा रही थी, बार बार ये आ रहा था, लूट रहा था, तो उसकी पावर वगैरह हर चीज़ ख़त्म होते जा रही थी. पॉलिटिकल सिनेरियो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी इंडिया की. अब कुछ जो चीज़ बची थी वो मात्र आर्ट्स, आर्किटेक्चर और स्कल्पचर्स बची थी, लेकिन वो भी डिमोलिश होती जा रही थी. और अगर देखा जाए तो इस्लाम भी काफ़ी फैल चुका था इंडिया में आफ्टर द अटैक्स एंड ऑल. अब यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में लड़ाई काफ़ी होना शुरू हो गई थी, लेकिन
अब यही दौर था जो अफ़गान से बाकी और अरब कंट्रीज से सूफीज़ और मुस्लिम सेंट्स आ रहे थे। अब फेमस स्कॉलर एलबर्नी जो थे उन्होंने लिखा था किताबुल हिंद, वो भी महमूद ऑफ गज़नी के समय में ही। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक मोहम्मद गौरी। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मोहम्मद गौरी ने ही हराया था पृथ्वीराज चौहान को, और आफ्टर सक्सेस ऑफ मोहम्मद ऑफ गज़नी मोहम्मद गौरी उनका जगह ले लेते हैं। और यहाँ पर मोहम्मद गौरी मोहम्मद गज़नवी से ला गुना अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पर मोहम्मद गौरी को धन दौलत से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मोहम्मद गज़नवी को मोस्टली घुसपैठी लूटपाट करने का बहुत शौक था। उनको पैसे से बहुत मतलब था, लेकिन मोहम्मद गौरी को पैसे से मतलब नहीं है। वो चोरी चकारी नहीं करते हैं, वो मोस्टली अपना टेरिटरी को एक्सपैंड करना चाहते थे और उस एक्सपेंडेशन में अपनी सारी मेहनत दे रहे थे। रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम एम्पायर थे मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम है मोइज़ुद्दीन मोहम्मद बिन सम। तो ये देखा जाए तो ये ही रियल फाउंडर थे, क्योंकि इन्हीं को सही तरीके से रूल करना आता था। मोहम्मद गौरी ने इंडिया में मुस्लिम एम्पायर को फैलाया। इन्होंने अटैक किया पंजाब को, फिर हथियार लिया पेशावर लाहौर सियालकोट, और वहाँ पर इस्लाम फैलाया और वो सारी जगह जब्त कर ली। सिंध को भी कैप्चर कर लिया। नॉर्थ इंडिया में अब अपना हक जमाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर जो राजपूत थे वो बहुत मुश्किल से इन्हें इन्वेड करने दिया। उसके बाद इनकी कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है पृथ्वीराज चौहान से, और वो शुरू होती है फोर्ट ऑफ तारा बिंद जो भटिंडा में है। लड़ाई शुरू हो जाती है और उसको नाम दे दिया जाता है फर्स्ट बैटल ऑफ तेरेन। और यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को डिफ़ीट करके वापस से अपने जगह भेज दिया। यहाँ देखा जाए दोस्तों तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को क्षमा कर दिया था और एक मौका दिया था, लेकिन मोहम्मद गौरी फिर से इंडिया पे हमला करते हैं, इन्वेड करने की कोशिश करते हैं। और जब इस बार वो आते हैं तो पृथ्वीराज चौहान को ही हरा कर और उनका सब कुछ एम्पायर हासिल कर लेते हैं। क्योंकि जब पहली लड़ाई हुई थी तो उस वक्त इनके आर्मीज बहुत ही कम थे, और इस बार मोहम्मद गौरी जब लड़ाई करने के लिए गए थे तो अपने ग्रुप में बहुत सारे आर्मीज़ को रख लिए थे। उनको बहुत सारी नई नई चीज़ें सिखाई थी, तभी वो बैटल शुरू किया था उन्होंने जाकर, और फिर पृथ्वीराज को हरा दिया था, जिसकी वजह से पूरा का पूरा एम्पायर उनका दुख में था। इसीलिए मोहम्मद गौरी को सुल्तान भी कहा जाता है, क्योंकि उनका मेन एम्बिशियस यही था कि वो अपने एम्पायर को बड़ा करें। इन्हें छोटे किंगडम से संतुष्टि नहीं थी, इसीलिए ये अपने टेरिटरी को एक्सपेंड करना चाहते थे, क्योंकि वो देख रहे थे कि इंडिया में सोशल पॉलिटिकल और रिलीजियस मिलिट्री सारी चीज़ें वीक थी, इसीलिए इनका टेंशन मोस्टली इंडिया पे था उसको हासिल करना। लेकिन दोस्तों शिया रूलर ऑफ सिंध और मुल्तान ये लोग अगेंस्ट थे मोहम्मद ऑफ गौरी के हर एक स्टेप से, हर चीज़ से, और ये चाहते थे कि मोहम्मद गौरी को काफ़ी अच्छे से पनिशमेंट मिले, सीख मिले, क्योंकि मोहम्मद गौरी एक सुन्नी मुस्लिम थे। और जैसे मोहम्मद ऑफ गौरी इंडिया आए तो वो हिंदू की सारी मूर्तियों को तोड़ना शुरू कर देते थे और उनको बताते थे कि ये सारी चीज़ें करना गलत है। इस्लाम को बहुत ज़्यादा फैलाया मोहम्मद गौरी ने। इंडिया में घुसकर पृथ्वीराज चौहान को तो हरा दिया इन्होंने, लेकिन फिर भी मोहम्मद अफ गौरी के इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ दुश्मन भरे रहते थे, और इनको हराने की हर एक एक चीज़ में कोशिश और साजिश की जाती थी। इनकी पावर्स को भी काफ़ी रद्द कर दी जाती थी शुरुआती तौर में। ये अपने टेरिटरीज़ को तो बढ़ाना चाहते थे वेस्टर्न एशिया तक, लेकिन वो अपने मिशन में फेल हो गए। तो दोस्तों अगर मेरी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी वीडियोस को लाइक करें, और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। इतना टाइम आप मेरी वीडियोस पर स्पेंड करते हैं मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है।
अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।